हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सजेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको ऑर्गेंजा की साड़ी, जो आप तो जानते ही हैं सिंपल एंड सोवर होता है, ये ऑर्गेंजा की साड़ी को कैसे हेवी लुक दे सकते हैं, कुछ आप इसके साथ ज्वेलरी जो हेवी है वो पहनकर उसके लुक में वेट ला सकते हैं, वो पहनकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ऑर्गेंजा की साड़ी को भी आप छोटे मोटे ओकेजन, गेट टुगेदर वगैरह में पहनकर, या ऑफिस के फंक्शंस, स्कूल फंक्शंस, या अपने सोशल फंक्शन में भी इसको पहनकर काफी आपका लुक एक दूसरे तरह का ही आएगा। इसके साथ कुछ आपके बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट वाली ऑर्नामेंट्स एकदम नहीं चलेगा, इसमें ऑक्सीडाइज डल वगैरह ही की तरह इस तरह चलेंगे। मैंने ये कान में इस तरह के झुमके ही पहने हैं, ये झुमका ये ऑक्सीडाइज के है, मैट फिनिश के ये झुमका है, और ये भी मैट फिनिश के। ये देखिए मेरी साड़ी में ऐसे ग्रीन एंड मैरून है, इसमें भी इस तरह के अपने ये ग्रीन एंड मैरून के ऐसे जो बंजारा टाइप के होते हैं नेक पीस पहन ली, काफी हेवी लुक आता है। अगर मैं ऐसे पहनू तो एकदम सिंपल लगता है, लेकिन ये जब पहन लेती हूँ ना ये सब, तो आपको एक यंगिश लुक देता है, मैंने आपके एज को 10 इयर्स कम कर देता है ये सब पहनकर। बस इसमें तो ग्लास की चूड़ी वगैरह या भर भर के हाथ में तो नहीं चाहिए, इसमें सिंपल आपने बस ऐसे दो कड़ा पहन ले। और सेम साड़ी अगर आप ये ना पहने तो आप एक बार देखिएगा लुक, और एक बार ये सब पहन कर देखिएगा, एकदम इट जस्ट मेक डिफरेंस। तो मैं आज आपको ये साड़ी के साथ ये सब पहन कर दिखा रही हूँ कि एक सिंपल साड़ी को भी आप थोड़ा सा हेवी लुक देने के लिए कुछ ऐड अगर इस तरह का कर ले तो कितना चेंज आता है एक साड़ी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑर्गेंजा की साड़ी ऐसे एक्चुअली थोड़ा सा वो वॉल्यूम क्रिएट करता है, फुला फुला लगता है, तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन आप अगर इसको, मैं प्लीटेड पहनकर आपको दिखाऊंगी तो वो पहनेंगे ना आप उस तरह का, तो फिर देखिएगा आपके कोई भी उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप काफी हेवी लग रही हैं। मैं दिखाती हूँ कि कैसे इस साड़ी को पहनकर आप स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लगेंगे। ऑर्गेंजा साड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो इस पर पेटीकोट एकदम आपके एंकल तक जाए वही पहने, और इसमें कॉटन के ही पेटीकोट पहने। आई डोंट नो, कुछ लोग शेप वेयर पेटीकोट पहनते हैं, पर मुझे कुछ इसका इक्वेशन अनइवन लगता है। खैर, इसे अच्छी तरह से टान टान कर वेस्ट में टक कीजिए, ताकि जरा सा भी कहीं वेस्ट में गैदर ना रहे, नहीं तो फूला फूला हो जाता है। देन मैंने पल्लू के पार्ट को रफली अरेंज करके शोल्डर पर रख ली, और जहां ऊपर का बॉर्डर एंड होता है टक कर दी, और 4-5 प्लीट्स बना लूंगी। इसके प्लीट्स भी काफी इजिली बन जाते हैं, मतलब इतना उफ तौबा नहीं करना पड़ता है, सेट हो जाते हैं अपने आप। और फिर मैं सामने के प्लेट्स को टक करते वक्त पल्लू के साड़ी को शोल्डर से उतार कर इस पोजीशन पर लाकर छोड़ दूंगी, और फिर सामने के प्लेट्स को अंडर बेली टक करूंगी, एंड देन ये जो राइट साइड में टक की थी निकाल दूंगी, और लेफ्ट हैंड से जो एक्स्ट्रा क्लोज है टान कर राइट साइड में टक कर दी। इससे क्या होगा ना कि आंचल का जो आपका बैक साइड में जाएगा टाइटली बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा, और फिर मैं ऊपर से इसे बाहर वाले साड़ी से कवर करके ठीक कर लूंगी। फिर इस तरह पल्लू सजाकर ठीक कर लूंगी। खुला पल्लू लेकर आप कैसे स्मार्ट लगेंगी, इसके लिए आपको नीचे वाले पोर्शन के जो साड़ी है उसके दो बड़े चौड़े प्लीट्स बना लूंगी। पिन इट अप, सी यू डोंट हैव टू मैनेज और योर हैंड विल बी फ्री वेयरिंग खुला पल्लू। हेवी वेट वाले हैं, बल्कि फीचर है जिनका, वो वैसे देखिए होता है कि हेवी वेट वाले प्लीटेड साड़ी ना पहने, लेकिन ऑर्गेंजा की साड़ी उल्टा होता है। ऑर्गेंजा की साड़ी अगर वो पहनते हैं तो दे शुड वेयर प्लीटेड ऑर्गेंजा साड़ी, मतलब प्लीट करके आप उसको साड़ी पहनिए, देन यू विल लुक थी। आप उसको ना, अगर ज्यादा आपको लग रहा है प्रॉब्लम कि फुला फुला सा लग रहा है, तो आप जरा इसको स्ट्रेटनर से ऐसे कर ली ना, तो ये एकदम प्लीट एकदम चिपक जाता है, बैठ जाता है।
तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर आप इस तरह ये भी प्लीट को भी ये स्ट्रेटनर से ऐसे ऐसे करके आपने स्ट्रेटनर से ऐसे ऐसे अगर कर दिए तो प्लीट भी एकदम आपका चिपक जाता है। देन इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ऑर्गेंजा साड़ी यू विल लुक स्मार्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। यू मस्ट हैव गॉट सम हेल्प फ्रॉम माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। बाय बाय।